شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

कि एक इंसान है जिसके पास ना सोना है ना चांदी है यानी सोना इतनी मकदार में नहीं है कि जो निसाब को पहुंच जाए या चांदी इतनी मकदार में नहीं है कि निसाब को पहुंच जाए तो जाहिर सी बात है निसाब के ना पहुंचने पर ज़क़़़़़त वाजिब नहीं होता है लेकिन सवाल उस भाई का ये है कि अगर हमारे पास करेंसी जो नकद की शक्ल में हो रुपए की शक्ल में हो उस पर हम ज़क़़त कैसे निकालें जवाब ये है कि अगर आपके पास रुपया करेंसी नक़द की शक्ल में है तो अगर वो रुपया जो पाँच ग्राम चांदी की मालियत के बराबर आपके पास अगर रुपया नक़द की शक्ल में है और उस पर साल गुज़र गया है तो उस पर ज़क़़़़़त वाजिब है उस पर चालीसवा हिस्सा ज़कू़़़़़़त वाजिब है यानी उसमें आप सौ में ढाई परसेंट आप ज़क़़़़़़त निकालेंगे मिसाल के तौर पर पाँच ग्राम चांदी ये मिसाल के तौर पर अभी उसकी कीमत मार्केट में पच्चीस हज़ार रुपये है चौबीस हज़ार रुपये है छब्बीस हज़ार रुपये जो भी उसकी वैल्यू है उसकी कीमत है अब अगर आपके पास उतनी वैल्यू में यानी पच्चीस हज़ार छब्बीस हज़ार रुपये कैश आपके पास आपके अकाउंट में मौजूद है और उस पर साल गुज़र गया है तो साल गुज़रने के बाद अब उस रुपए में आपको सैकड़े में ढाई परसेंट आपको ज़क़़त निकालना होगा ज़कवात आपको निकालना होगा अगर उस पर साल गुज़र गया है और वो करेंसी वो रुपया ये पाँच सौ पंचानबे ग्राम चादी की शक्ल में या शादी के बराबर अगर वो रुपया मौजूद है तो उसमें ज़कवात निकाला जाएगा तो इस तरीके से इंसान अगर इंसान के पास सोने नहीं हैं शादी नहीं है लेकिन कैश में इतनी रकम मौजूद है और उस पर साल गुज़र जा रहा है तो इस तरीके से साल गुजरने पर वो इंसान ज़क़़त निकालेगा लेकिन अगर साल गुजरने से पहले वो किसी काम में ख़र्च कर लिया कोई चीज़ ख़रीद लिया कोई ज़रूरत आ गई इलाज मुआलजा हो गया या कोई ऐसी चीज़ आ गई ज़रूरिया ज़िंदगी उसने ख़र्च कर दिया अब जाहिर सी बात है उसके ऊपर ज़कवा़त उस पर वाजिब नहीं है क्योंकि वो रुपया जो नकद की शक्ल में बैंक में मौजूद था साल पूरा होने से पहले वो ख़र्च हो चुका है तो अब उसके ऊपर ज़कवात वाजिब नहीं है तो इस तरीके से इंसान अपने रुपये का नकदी का ज़कवात निकाल सकता है अल्लाह तबारा से दुआ है कि हम में से हर इंसान को अगर वो साहिब नसाब है उसका माल निसाब को पहुँच जा रहा है साल गुजर जा रहा है तो अपने माल का ज़क़़़़़ निकालना चाहिए ये चीज़ वाजिब है अल्लाह ताला सब को इसकी तोफ़ी क़ता फ़रमाएसम आलकुम वरहि वबरकू كنتم خير أمة نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دار الخير فاونديشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں